सरकारी खरीदारी रे एमएसएमई को मिलिबो प्राथमिकता। लखनऊ रे इंडियन इंडस्ट्रीज एसोसिएशन द्वारा आयोजित सम्मेलनी को संबोधित करिबा अवसर रे या कहिसथि उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लघु एवं मध्यम उद्योग मध्यरे विश्वास सृष्टि करिबा लागि योगी कहिसथि एमएसएमई गुडीक सेमानक उत्पादित सामग्रीर गुणवत्ता रे कोनोसी बुझामणा करंतु नाही। सरकार कोनोसी भी सामग्री किनिले एमएसएमई को प्राथमिकता देबे बोली कहिसथि योगी आदित्यनाथ। माननीय प्रधानमंत्री जी ने इसी के लिए कोरोना काल खंड में कहा था वोकल फॉर लोकल, यही आत्मनिर्भर भारत की सबसे बड़ी ताकत है और विकसित भारत बनाने के प्रधानमंत्री मोदी जी के लक्ष्य की जो आधारशिला है वह आत्मनिर्भर भारत का है। आत्मनिर्भर भारत से एक विकसित भारत, और विकसित भारत की जो संकल्पना है उसकी आधारशिला कोई है तो वह हमारी परंपरागत उत्पाद जिसे हम एमएसएमई कहते हैं, उत्तर प्रदेश ने उसका सरलीकरण करते वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट के रूप में उसको आगे बढ़ाने का कार्य किया है। इसके लिए सरकार ने अनेक प्रकार के प्रयास किए हैं। उत्तर प्रदेश सरकार को एमएसएमई क्षेत्र आत्मनिर्भर भारत रे सबुठो बड़ शक्ति भावे उभा होई छि। या राज्य रे शिल्प को सुदृढ़ करबा सह इंस्पेक्टर राज रो मुक्ति देबाकू उल्लेखनीय काम करी छि। व्यवसाय क्षेत्र रे होइथिबा सुगमता जा सर्वसाधारण रे दृश्यमान पूरा विश्व उत्तर प्रदेश सरकार को विश्वास सह देखुचि बोली कहिसथि योगी। विश्वास करते हैं कि राज्य सरकार मिलकर के, केंद्र और राज्य सरकारें मिलकर के उद्यमियों की सुविधा को और ध्यान में रखकर के इसको और भी अनुकूल बनाने का प्रयास करेगी। टेक्नोलॉजी का उपयोग करते हुए इंस्पेक्टर राज से मुक्ति के जो कार्यक्रम चले हैं, निवेश मित्र पोर्टल, निवेश सारथी पोर्टल, ऑनलाइन इंसेंटिव प्लेटफॉर्म, ये सभी उद्यमियों को प्रदेश के अंदर निवेश की संभावनाओं को विकसित करने के साथ साथ उनकी सुविधा के सरलीकरण के कार्यक्रम को भी तेजी से आगे बढ़ाने का एक अभियान है। 2017 पूर्व उत्तर प्रदेश रे उद्यमी माने अनेक चैलेंज रो सामना करूथिले, ना थिला सरकारी प्रोत्साहन ना मिलुथिला सहयोग, किंतु 2017 परे बीजेपी सरकार क्षमता को आसीबा परे वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट रो योजना आनीथिले, याकु केवल देश नुहे सारा विश्व प्रशंसा करूछि। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रे उत्तर प्रदेश रो स्थान आज को 6 वर्ष तले 14तम स्थान रे थिला, वर्तमान एथिरे कोन परिवर्तन होई छि ता समस्तक आखि सामने रे बोली कहिसथि योगी। उत्तर प्रदेश में पहले माहौल नहीं था तो लोग भी सामने नहीं आते थे, सरकार के स्तर पर भी प्रोत्साहन नहीं था और न ही कोई संरक्षण था तो लोग एक प्रकार से हतोत्साहित से थे। लेकिन पिछले 9-9.5 वर्ष के अंदर प्रदेश देश के अंदर प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में न केवल भारत के अंदर इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए गरीब कल्याणकारी योजनाओं के साथ साथ देश की अर्थव्यवस्था को हम मजबूत कर सके इस दृष्टि से ध्यान देने का जो अभियान प्रारंभ हुआ, इसके लिए जो अनेक कार्यक्रम हुए, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के लिए रिफॉर्म किए गए, उसके परिणाम हम सबके सामने हैं। आज भारत की अर्थव्यवस्था दुनिया की एक सुदृढ़ अर्थव्यवस्था बनने की ओर अग्रसर है। इंडस्ट्रीज की इस भूमिका को प्रोत्साहित करने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार ने 2017 में आने के बाद अपनी जो परंपरागत पहचान थी उसको प्रदेश में वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट के रूप में परंपरागत उत्पाद को प्रमोट करने का जो कार्यक्रम बनाया था वो हम सबके सामने है। हम सब जानते हैं कि वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट की योजना आज यह उत्तर प्रदेश के अंदर ही नहीं बल्कि देश और दुनिया के लिए एक अभिनव योजना बनी है। हमने नाम वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट दिया है लेकिन ये एमएसएमई को प्रमोशन की ही एक योजना शासन की है। हम सब जानते हैं ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में उत्तर प्रदेश की रैंकिंग बहुत खराब थी,
लगभग 14वें स्थान पर थी आज से 6 वर्ष पहले, लेकिन सरकार ने उस समय कदम उठाए, व्यापक रिफॉर्म किए, ऑनलाइन सुविधाओं को विकसित किया। आज निवेश मित्र पोर्टल देश का, उत्तर प्रदेश का निवेश मित्र पोर्टल देश का सबसे बड़ा ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है, जो डिजिटल प्लेटफॉर्म के माध्यम से लगभग 400 से अधिक किल्लेंस एक प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध कराने की सुविधा उपलब्ध करवा रहा है। नोएडा एवं ग्रेटर नोएडा रो विकास पर 46 वर्ष लागिगला। झांसी एवं बुंदेलखंड रे नुआ शिल्प स्थापन पर द्रुत गति रे प्रयास जारी रखिछती उत्तर प्रदेश सरकार। प्रथम पर्यायर झांसी में 38,000 एकर लैंड बैंक रही। 46 वर्षर इतिहास रे योगी सरकार अमल में ग्रेटर नोएडा रे अंतर्जातीय विमान बंदर प्रस्तुत रही। इंडियन इंडस्ट्रीज एसोसिएशन द्वारा आयोजित सम्मेलन में प्रदर्शित विभिन्न सामग्री बुली देखिथिले उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। ब्यूरो रिपोर्ट, अर्गस न्यूज। जदि आपण को आम वीडियो टी भल लगा तबे आम चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करने को जमा भी भूलु नहीं।